सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंट्राडे गाइड। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज नीचे क्यों गए? कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे जा सकते हैं? क्या रीजन था निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे जाने का? तो वो आज सारे डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला मैं आपको अपने 6 स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद हम सारी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे 6 स्टॉक्स को मैंने निकाला है, जिसमें से कुछ सेल के भी हैं आज, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से नीचे गिरा और अपने अहम लेवल को तोड़ा, तो हम देख सकते हैं कि शायद ऊपर की तरफ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इन स्टॉक्स में और नीचे जा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ दो नहीं तो तीन सेल स्टॉक्स हैं और 4 बाय के स्टॉक्स होंगे। स्कॉट्स, वॉकहार्ट फार्मर, जेटेवेस, पीसी ज्वेलर्स, प्रिज्म सीमेंट और एलएनटी। स्कॉट्स में आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। टारगेट आपको 839, 843 का मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको 826 के रखने हैं। वॉकआउट फार्मा में आपको सेल करके चलना है, क्योंकि आज इसमें हमने अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और अभी भी लग सकता है ये और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इसने अपने अहम लेवल को तोड़े हैं। टारगेट आपको 815-795 मिल सकते हैं। अगर ये 800 के लेवल को थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो हम और नीचे के लेवल्स भी इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 835 का रखना होगा। जेट एयरवेज को बाय करके चलना है। टारगेट आपको 769-774 मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 757 का रख के चलना होगा। पीसी ज्वेलर्स में आपको सेल करके चलना है। इसमें भी हमने अच्छा खासा आज करेक्शन देखने को मिला है और अभी भी लग सकता है ये करेक्शन अभी भी चल सकता है। टारगेट आपको 514-507 मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 528 का रख के चलना है। प्रिज्म सीमेंट, इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन हम देखने को मिला है, ओपन इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा है। टारगेट आपको 141-144 मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 135 का रख के चलना है। अब आते हैं एलएनटी। एलएनटी में भी आपको बाय करके चलना है। टारगेट आपको 1435-1460 मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1418 का रख के चलना है। इसमें भी ऊपर की तरफ से जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, उसके कुछ मिनटों में इसने अच्छी खासी रिकवरी दी। 1409 जो इसका लो था, उसके पास ही ट्रेड करा था। उसके बाद अपने हाईज के पास जाके, आसपास जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है और हम देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा फिर इंटरेस्ट बन के देख सकते हैं। इसने एक जो अपना सपोर्ट था इंट्राडे का, उसको एक बना लिया है बेस के दौर में, अब उसको ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1418 का स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब आते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी निफ्टी पे। तो निफ्टी को आपको कॉल का बाय करके चलना है। 11100 का 160 रुपये में आपको मिल रहा है। टारगेट आपको 180 के मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 131 का स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के रीजंस गिरने का था। अगर आपको मैं तीन रीजंस बताऊं जिससे मार्केट रिएक्ट करता है, वो है इंटरनेशनल मार्केट्स, जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं उसके बेसिस में जो मार्केट रिएक्ट करता है, हमारी इकोनॉमी के बेसिस में मार्केट रिएक्ट करता है, और जो लास्ट है न्यूज़ फ्लो। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो आज मार्केट के रीज़न गिरने का था इंटरनेशनल मार्केट। तो अभी जो अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट में आज फेड की मैटिक बैठक भी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें क्या रिएक्शन निकल के लाता है, तो उसके बेसिस में हम पूरा साल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो एक अहम लेवल था, उसको भी ध्यान रखते हैं। थोड़ा डाउ जोन्स और जो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, कल भी हमने देखा कि डाउ जोन्स ऊपर के लेवल से नीचे गिरा और एशियन मार्केट, हांगकॉन्ग मार्केट में भी हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी और आज भी अच्छा खासा करेक्शन हमने इसमें देखने को मिला है। तो एक रीज़न और भी है यूएस मार्केट के गिरने का, कि जो बॉन्ड डील्स बढ़ रही हैं, जो बॉन्ड डील्स बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी मार्केट गिर रहा है। तो बॉन्ड डील्स बढ़ रही हैं तो उससे मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, ये हमें जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर हमें बॉन्ड डील्स के बारे में नहीं पता, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम मार्केट को अच्छे से, मार्केट के सेंटिमेंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, कि अगर बॉन्ड डील्स बढ़ते हैं तो मार्केट ओवर वैल्यूड मानी जाती है, तो मार्केट में करेक्शन आने का चांस होता है। और अगर बॉन्ड डील्स गिरते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अभी मार्केट एक स्टेबल मोड में, अभी वो ऊपर जाने के उसके और चांसेस हैं। तो हमने देखा कि आज बॉन्ड डील्स अच्छे खासे रेट से बढ़ा और मुझे नहीं पता कौन से उसमें जाके ट्रेड जोन में गया। तो अब हम देख सकते हैं कि जब बॉन्ड डील्स बढ़े तो उसकी वजह से मार्केट गिरी। तो अब हम देख सकते हैं कि शायद और करेक्शन आ सके, क्योंकि अभी जनवरी में ही निफ्टी 6% ऊपर जा चुका है। तो अब हमें देखना है, क्योंकि पूरा साल अभी नहीं गया, सिर्फ पहला
महीना ऊपर की तरफ गया है, तो अब हमें ऑब्जर्व करना है कि हम एक ट्रेड जोन में बंद हो जाएंगे, तो वो ट्रेड जोन हमें ढूंढना है कि कौन सा ट्रेड जोन रहेगा, किस लेवल से किस लेवल के बीच बीच में है, हम पूरा साल गुजारेंगे, तो वो हमें एक देखना है अहम लेवल है, वो मैं आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगा। और डाउ जोन्स और जो यूएस मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उनके लिए एक खासियत ये है कि उनका अहम जो महीना होता है वो जनवरी का महीना होता है, स्टार्टिंग का महीना, वो उस मही जिस उस मंथ में जैसे रिएक्ट करते हैं पूरा साल उसी मंथ में रिएक्ट करते हैं, तो इन्होंने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है ऊपर की तरफ, तो हम देख सकते हैं शायद ये और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो उसके बेसिस में शायद हमारे मार्केट भी ऊपर के लेवल्स दिखा सके। पर अब हम कल की बात करें तो कल निफ्टी और बैंक, हमने आज देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत सारे अहम लेवल थे जो तोड़े, 10,000 11,050 11,100 दोनों लेवल उसने तोड़ के नीचे की क्लोजिंग दी है, वो अलग बात है कि 11,050 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है, पर अब हम इसे अहम नहीं मान सकते, अब हमारा एक ही अहम लेवल है जो है 11,000 का, अगर वो उसे ब्रेक करता है तो हम समझ सकते हैं कि ये 10,800 तक के लेवल्स भी छू सकता है। पर अगर हम बात करें कि इतनी तेज हमने ऊपर की तरफ लेवल्स बनते हुए देखे हैं निफ्टी पे, तो 10,500 10,600 ये दो अहम लेवल है, अगर यहाँ तक भी आता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अभी मजबूत है, क्योंकि यहीं से उन्होंने बढ़ना शुरू करा था, तो अब हमें गौर करना है कि मार्केट किस तरफ ऊपर जा सकती है। तो जैसे मैंने आपको अभी निफ्टी में कॉल दी, आपको 11,100 की कॉल बाय करके चलनी है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल भी नहीं है, हमने देखा कि इंडिया विक्स 6% नीचे गिरा, मार्केट नीचे गिर रहा है, वो इतनी तेज नीचे गिरा, पर इंडिया विक्स बढ़ा नहीं, इंडिया विक्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, पर वॉलेटिलिटी बढ़ी नहीं मार्केट में, उल्टा घटी है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि लोग अपना जो उन्होंने जो होल्डिंग्स बनाई हुई रखी है वो लोग उसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और अब उन लोगों के इंटरेस्ट हल्के हल्के कम हो रहा है खरीदारी में, तो भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें हमने करेक्शन देखी है, और एक रीज़न जो यूएस मार्केट में था, तो दूसरा तीसरा रीज़न ये है मार्केट के गिरने का, और हम शायद देख सकते हैं कि आगे भी मार्केट गिर सकती है बजट तक, उसका रीज़न ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, और क्योंकि मार्केट गिर रही है और बैंक निफ्टी और निफ्टी प्रीमियम में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये मुझे लग रहा है क्योंकि जब मैंने मार्केट और जब मैं कैश और फ्यूचर्स में दोनों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसमें देखा मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं तो हमेशा कैश मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाते हैं, पर जब भी वो दोनों प्रीमियम में ट्रेड करते हैं और मार्केट हल्की हल्की गिर रही होती है, तो अगले दिन भी मार्केट फिर गिरती ही है, और जैसे हमने देखा कि आज बैंक निफ्टी 100 रुपये की प्रीमियम में थी और बैंक निफ्टी उल्टा गिर रहा था, 250 पॉइंट जाके नीचे गिरा है, तो हम देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन बन गया, और अभी भी हम देख सकते हैं कि कल भी शायद अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है, तो 25,27,500 एक अहम लेवल है जिसको उसे क्रॉस करना होगा, तभी हम देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें हम ऊपर की तरफ फिर लेवल्स बनते हुए देख सकते हैं, 28,000 तक के लेवल बनते हुए देख सकते हैं, पर एक 27,500 एक अहम लेवल है, तो उसे क्रॉस करना होगा बैंक निफ्टी को, और 11,000 का लेवल अगर ये तोड़ती है तो उसे हम मान सकते हैं कि फिर एक करेक्शन आना शुरू हो सकता है। कल का हमें और परसों 2 दिन का हमें देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या रिएक्ट करता है, अगर दोनों दिन निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ रुझान करता है तो हम देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो गया और ये शायद 10,800 के लेवल्स तक जा सकता है, उसके बाद फिर हम शायद ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखें, पर इसलिए मैंने आपको 11,100 का कॉल बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, और फ्यूचर्स में आपको मैं सेल करने की सलाह दे रहा हूँ, इसमें आपको होगा ये कि निफ्टी अभी 10,050 बीच रेंज बाउंड में है, ना 10,100 में है ना 10,000 सॉरी ना 11,100 में है ना 11,000 में है, बीचों बीच ट्रेड कर रहा है, तो अभी हमें ट्रेड जोन नहीं मिल रहा, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आपको इंडेक्स बाय नहीं करने हैं तो आप इंडेक्स बिल्कुल बाय ना करिए, आप अभी स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करिए, अगर आपको बाय करने भी हैं तो आप ये स्ट्रैटेजी लेकर चलिए कि हम देख सकते हैं शायद निफ्टी ऊपर थोड़ा 11,100 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे और उसे होल्ड ना कर पाए, तो ऊपर की तरफ आपका जब कॉल का प्रीमियम आपको 160 पे आपको बाय करना, अगर अगर आपको 160 पे बाय करके आपको 10-12 रुपये का टारगेट अचीव हो जाता है, फिर आपको लगता है कि 11,110 11,120 तक पहुंच गया है, उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है, तो आप फ्यूचर से निकल जाइए और कॉल्स में बने रहिए, पर जब 11,120 तक आता है और वहीं पर रुक जाता है, सस्टेन कर देता है और हल्के हल्के नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, तो आपको कॉल को सेल करके फ्यूचर्स की तरफ बढ़ना है, क्योंकि फिर वो 11,000 तक के लेवल्स में आ सकता है,
तो दोनों तरफ आपको ट्रेड करके गौर करके ध्यान से मार्केट को वॉच करके ट्रेड लेना पड़ेंगे दोनों की तरफ। तो निफ्टी पे तो आपको मैं सेल की टारगेट दे रहा हूँ 10,980, 10,950 एक अहम लेवल है, अहम लेवल 11,000 का है, उसे नहीं तोड़ा, अगर तोड़ता है तो यहाँ तक ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस आपको 11,130 का स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को तो मैं आपको बाय की सेल की सलाह दे रहा हूँ, सॉरी आपको बाय शो कर रहा होगा, आपको सेल करके चलना है। 27,340 का स्टॉप लॉस लगा के 27,200, 27,120 का बैंक निफ्टी पे टारगेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए एक स्टॉक और लेकर आया हूँ, ये स्टॉक आपको 4-5 दिन के लिए रख के चलना पड़ेगा, डेनोरा स्टॉक है। इसमें हमने आज देखा कि अच्छी खासी इसमें रैली बनते हुए हमने देखी है, तो ये इसमें कम से कम 80 पॉइंट्स तक की हमने रैली बनते हुए देखी है, जो अक्सर इस स्टॉक में कभी नहीं आती है। तो जैसे मैंने अपनी आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर कोई एक अहम ऊपर की तरफ ऐसे स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है कि मतलब आप समझ सकते हैं एक जो ग्रीन कैंडल होती है वो एकदम ऊपर चली जाए और कम से कम 80 पॉइंट्स की रैली दे दे उस स्टॉक में, तो वो स्टॉक एक करेक्शन में आता ही आता है। तो हम देख सकते हैं आपको इस स्टॉक को सेल करके चलना है, 300, 300 और 220 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 352 का रख के चलना पड़ रहा है, रख के चलना पड़ेगा। अभी जो ये करंट मार्केट प्राइस है डेनोरा का, वो अभी होगा 345 समथिंग होगा। तो आपका 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, और आपको जो प्रॉफिट मिल सकता है वो आपको 50 से 70 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। ये 4 से 5 दिन का ट्रेड है, ये आपको ये टारगेट अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो डेनोरा में आपको बाइंग की सलाह होगी, पर एक बात और है, क्योंकि जब डेनोरा में ऐसी चीज आती है कि एकदम से वो ऊपर की तरफ रैली बनाता है, तो शायद अगले दिन भी वो फिर ऊपर की तरफ रैली बना के फिर तीसरे दिन से वो नीचे गिरना शुरू होता है। तो आपको कल मार्केट में देखना है कि वो किस तरफ डेनोरम जा रहा है स्टॉक, उस तरफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब क्लोजिंग हो जाए तब आपको इसको सेल करना है, और अगर वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है तो आपको फिर उसमें सेलिंग पोजिशन तब से ही बनाना शुरू कर देनी होगी। तो अब कल का जो मार्केट है वो अहम है, और परसों का मार्केट तो बजट के ऊपर ही आएगा, हमें बजट में फोकस करना होगा, बजट कैसे जा सकता है। तो उसके बेसिस में आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको क्या करना है उसमें, क्या ट्रेड लेकर चलना है। और स्टॉक्स तो मैं आपको वही बता देता हूँ, आपको बजट रिलेटेड स्टॉक्स ही आपको मैं बताऊंगा, और अगर मुझे टाइम मिला तो आपके लिए मैं टेक्निकल बेसिस स्टॉक्स भी लेकर आऊंगा, आपके लिए 2 वीडियोस बना लूंगा मैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए, अगर आप मेरी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस पाना चाहिए और हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जानना चाहें अगले दिन मार्केट में क्या होगा। तो थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।